अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पाक आर्मी ने हमेशा ही से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। पाक आर्मी के बहादुर सपूतों ने इस वतन अजीज के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम जिस बहादुर सपूत की बात करने जा रहे हैं उसका नाम कर्नल शेर खान है। शेर खान यकम जनवरी 1970 को सवाबी में पैदा हुए। साल 1994 में शेर खान ने आर्मी को ज्वाइन किया। कर्नल शेर खान एक बहादुर और नडर शख्स थे। कर्नल शेर खान को 27th सिंध रेजिमेंट में कैप्टन के ओहदे पर मुकर्रर किया गया। जब कारगिल जंग का आगाज हुआ तो कर्नल शेर खान को 12th एनालाई रेजिमेंट में भेज दिया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल जंग में खुद को वॉलंटियर किया था। 5 जुलाई 1999 को दुश्मन ने भरपूर कुव्वत के साथ शेर खान की पोस्ट पर हमला किया, लेकिन शेर खान ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। कैप्टन कर्नल शेर खान ने मुट्ठी भर साथियों के साथ दुश्मन के एक बड़े ग्रुप को धूल चटाई। दुश्मन चूंकि बहुत बड़ी तादाद में इन पर हमला आवर था, इसलिए शेर खान के साथी एक एक करके शहीद होते गए। जब कैप्टन कर्नल शेर खान के सारे साथी शहीद हो गए तो कैप्टन कर्नल शेर खान ने जगह बदल बदल कर दुश्मन को पसपा किया। दुश्मन को कई घंटे तक इस बात का अंदाज़ा ही न हो सका कि शेर खान अकेले ही जगह बदल बदल कर दुश्मन को पसपा कर रहे हैं। दुश्मन काफ़ी घंटों तक पेशकदमी करने की कोशिश करता रहे मगर वो इसमें कामयाब न हो सके। शेर खान ने दुश्मन से लड़ते हुए आखिरकार शहादत पाई। एक भारतीय अफसर ने जब कर्नल शेर खान की बहादुरी को देखा तो उसने कहा, ये एक अजीम सिपाही थे, तहम उनको भरपूर एजाज के साथ नवाजा जाएगा। भारतीय फौज कर्नल शेर खान की जस्ते खाकी को अपने साथ भारत ले गए और पाकिस्तान से मुतालबा किया कि जब तक पाकिस्तान कैप्टन कर्नल शेर खान को निशाने हैदर नहीं देगा तब तक भारत कर्नल शेर खान की मैयत पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगा। दोस्तों, इस अजीम सिपाही ने दुश्मन को भी अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे सिपाहियों के लिए शायर कहता है, कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की जुबान पर नारे तकबीर आता है। दोस्तों, पाक आर्मी के बहुत से बेटों ने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, इसलिए हम पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं। और दोस्तों, ये बात याद रखें कि पाक आर्मी इस वक्त आलम इस्लाम के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को हर महाज पर फतेहयाब फरमाए और दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान पाकिस्तान को निस्तोनाबूद करे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।